लोगों ने कहा कि डिनर यहाँ पे था आज वापस, उसकी रात की टिकट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। अभी आज का बहुत ही मज़े का व्लॉग है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अभी चलते हैं, जाके लेते हैं कुछ नाश्ता, लेट्स गो। अभी मैं लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे नाश्ता और हलवा पूरी लेने आई हूँ और कुछ सामान वगैरह और लेते हैं। घर में आ रहे हैं मेरे स्पेशल गेस्ट, रेहान के कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए हम लोग स्पेशल यहाँ पे नाश्ता लेने आए हैं। अभी गेस्ट के आने में थोड़ा टाइम है तो बाहर चलते हैं, जाके देखते हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, धूप है फुल, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप है और बहुत गर्मी हो रही है। और 9 बजे तक उन लोगों ने आना है। देखिए सुबह सुबह का टाइम है और फिर इतनी ज़्यादा हब सुई हुई है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। बादल हैं हल्के हल्के से लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अभी चलते हैं अंदर और जाके सारा नाश्ता बाकी रेडी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है और टाइमली हो गया सब कुछ। दही वगैरह भी रख लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सारा सामान। ये निहारी है, ये चने हैं और ये पाए हैं और ये हलवा, और यहाँ पे मैंने सलाद वगैरह उसके साथ ले लिया था घर में बनाया हुआ अचार, वो डालिए निकाल लिया है। और यहाँ पे ये आलू और एग वाला सालन, आलू और अंडे वाला बॉयल्ड एग डाले में और ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ रेडी हो गया है और परफेक्ट सारी सेटिंग कर दी है। इम्प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है किसी को, और स्पेशली गेस्ट घर में आए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मेरा दिल चाहता है प्यारे प्यारे बर्तन हो और अच्छा सा खाना हो, और खाना ना बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। अगर बर्तन बहुत प्यारे होते हैं ना तो वो सारी प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे भी बना ली है मज़ेदार सी लस्सी, ये मेरे भाई ने बनाई है। और मज़े की एक बात बताऊँ, मुझे एक बात याद आई है, बचपन में ना मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी मेरे घर में और काफ़ी मुझे शौक होता था कि ऐसे प्यारे प्यारे बर्तन हो और हम लोग इस तरह से पार्टीज़ करें, घर में फ्रेंड्स आएँ, तो अक्सर मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाया करती थी। एक बार ऐसे क्या हुआ, ब्रिज के अंदर बड़ी फुल ट्रे, बड़े वाला जिस तरीके से होता है, उसके अंदर मैं बर्तन लेके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सेकंड फ्लोर पे ना मेरा रूम था, वहाँ से मैं बर्तन उठा के नीचे जैसे आ रही थी, मैं पाँव स्लिप हुआ, मैं नीचे गिरी और मेरी बड़ी बहन फ़ौरन मुझसे निकला, हाय बर्तन। मतलब मेरा ख्याल नहीं था, बहन भाई इस तरीके से भी आपकी टांग खींचते हैं, आपको तंग करते हैं। और मेरे फादर उस वक्त अलाइव थे तो उन्होंने मुझे कहा, उस वक्त खड़े होकर कहा सिस्टर को कि बहन की परवाह नहीं, तो सब इतना ज़ोर से हंसने लग गए ना कि बहन की परवाह नहीं, बहन की केयर नहीं, कि उसका ख्याल नहीं आया कि उसको चोट लगी या नहीं लगी, कांच के सारे बर्तन हैं। तो फ़ौरन से उसने कहा हाय बर्तन। मेरे पास सीजर और इसी की मदद से मैंने इसको कट किया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सिंक के पास ही खड़े खुद के, क्योंकि अभी मैंने वॉश नहीं किए, वॉश इसको बाद में करूँगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसको कट कर लिया, ये इस तरीके से इक्वली इसको मैंने कट कर लिया, इक्वल, ये देखिए इस तरीके से इक्वल कट कर लिया। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए एक ही साइज़ में। अब इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ उसको किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ करना। और यहाँ पे गेस्ट आ गए थे इसलिए मैंने फिर इनको रख दिया, और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, शाम हो गई थी, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स किए हुए थे आज के दिन के जो हम लोगों ने करने थे। और यह शाम का टाइम, हम लोग आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए, थोड़ा अर्ली आ गए थे। हम लोगों ने कहा कि डिनर यहाँ पे करते हैं क्योंकि मेरे भाई ने जाना था आज वापस, उसकी रात की टिकट्स हुई हुई थी, थोड़ा लेट थी टिकट्स, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा अर्ली आ गए। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाए हम लोगों को गपशप करने का और थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने का। और ये है इनकी एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत, मैं कभी आप लोगों को प्रॉपर इनकी एम्बियंस दिखाऊँगी। चलिए खाना शुरू करें, रेहान छोड़ दें मोबाइल। और यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए चाय, रेहान बिल्कुल चाय नहीं पीते हैं, गर्मियाँ है ना, गर्मियों में सिर्फ जिगरे वाले लोग ही चाय पीते हैं। चंद दिन पहले मेरी स्टोरी पे किसी ने रिप्लाई किया हुआ था कि इतनी गर्मी में कौन चाय पीता, तो उन लोगों के लिए है, इतनी गर्मी में सिर्फ वही लोग चाय पीते हैं जो टी लवर्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा जिगरे वाले लोग होते हैं वो ही चाय पी सकते हैं, वरना ये आम लोगों की बस की बात नहीं है। जस्ट किडिंग। और ये जिन लोगों को पसंद होती है वो गर्मी हो या सर्दी इंजॉय करते हैं। अभी अपने
भाई को मैं ड्रॉप करने के लिए आई हुई थी, वो वापस जा रहा था। मेरा छोटा भाई है, काफ़ी दिनों से हम लोग साथ थे, काफ़ी इंजॉय किया, सो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस भी करूँगी और इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी होगी और आप लोगों से भी होगी मुलाकात नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।